नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं पनीर मसाला की रेसिपी। इस रेसिपी की खासियत ये है कि मैं ये बनाने जा रहा हूं बिना प्याज यूज़ किए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं पनीर मसाला की रेसिपी विदाउट यूजिंग अनियंस। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पनीर मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, टमाटो प्यूरी जहाँ मैंने 4 लाल टमाटो लिए हैं, 1 कप दही, हमें बहुत ही गाढ़ा दही चाहिए, 2 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ग्रेवी के लिए हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल, फिर हम डालेंगे इसमें जीरा, यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। जब जीरा नाचना शुरू कर दे हम उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, से हम 2 मिनट तक सौटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। दोस्तों अगर आप ये रेसिपी सावन के महीने में बना रहे हैं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी अवॉइड कर सकते हैं, प्याज तो हम ऐसे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं रेसिपी के लिए। जब अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, अब हमेशा फ्रेश प्यूरी ही यूज़ कीजिएगा, यह बहुत ही अच्छा स्वाद देगा। हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह पक जाए। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है ताकि ये बहुत ही गाढ़ा लाल रंग देगा। फिर हम डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर, ये सब मसाला डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये प्यूरी के साथ अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। टमाटर प्यूरी बनाने के लिए आपको एकदम पका हुआ लाल टमाटर चाहिए, उसे आप मिक्सी में अच्छी तरह पीस लीजिए और आपका टमाटर प्यूरी रेडी हो जाएगा। हम इस प्यूरी को तकरीबन 2 मिनट तक उबलने देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। फिर हम डालेंगे इसमें बेसन का पाउडर। तो दोस्तों बेसन का पाउडर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाद में जब दही डालेंगे तो ये दही को फटने से रोक देगा। इसे हम अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि इसमें कुछ लम्स ना रह जाए, हमें अच्छी तरह हिला के इसके लम्स को सारे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे गाढ़ी दही, दही डालते ही हमें इसे कलछुल से लगातार हिलाते रहना चाहिए, अगर हम बीच में से हिलाना छोड़ दें तो हो सकता है दही फट जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे लगातार हिलाते रहेंगे और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप हमेशा दही डालने के बाद गैस का फ्लेम एकदम लो रखें, हाई फ्लेम में रखने से दही फट जाएगी और आपका ग्रेवी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रहने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे
होममेड पनीर क्यूब्स। दोस्तों आप घर पे ही फ्रेश और मुलायम पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाने का वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो ऊपर दिए गए आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे ताकि मसाला पूरा पनीर में अच्छी तरह पकड़ ले। और आखिर में हम ऐड करेंगे फ्रेश सिलेंट्रो यानी धनिया के पत्ते, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह उबलना शुरू हो जाए तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढक करके रख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पनीर मसाला बन के रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।